Hello everyone, and welcome to this lecture on a very, very interesting topic, which is molarity and molality. I can tell you that none of the topics in physical chemistry or numerical chemistry is complete without the uses of molarity and molality. So, molarity or molality ko aap केमिस्ट्री के हर टॉपिक में, भले वो केमिकल काइनेटिक्स हो, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, वो सॉल्यूशंस हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं मोलारिटी और मोलारिटी का यूज आता ही है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वी विल गो थ्रू इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली, सो दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। और ये जो मोलारिटी और मोलारिटी है, दैट इज पार्ट ऑफ द चैप्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से मेजर करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मेजर करने का, जैसे मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, बट द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड मेजर इज मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी। दोनों के नाम सिमिलर साउंडिंग है बट दोनों में डिफरेंस है, molarity with R, molality with L, ठीक है? तो ready हो आप लोग to look at what molarity and molality is? चलो, तो let's start with this very interesting topic, molarity and molality. तो सबसे पहले we will look at molarity. Now मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो कोई भी मेजर हो कॉन्सेंट्रेशन का, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, और अलग अलग तरीके यूज करते हैं। तो लेट्स लुक एट कि मोलारिटी क्या बोलते हैं। मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डेफिनेशन को रट्टा मारो, बट मोलारिटी की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे की टर्म्स आ रहे हैं, राइट? तो लेट्स लुक एट इट वेरी क्लोजली। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा है? मोल्स के टर्म में, ठीक है? तो मोल्स किसके ले रहे हैं? सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और किसके वॉल्यूम की? सॉल्यूशन की। ये सॉल्वेंट नहीं है, ये सॉल्यूशन है, ये मास नहीं है, ये वॉल्यूम है। तो यहां पर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड हैं इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमें मोलैरिटी देता है। तो अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं तो क्या हो गया? सो मोलारिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तो इस फॉर्मूले में ये जो एन है, ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम वी लीटर में लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है मोलारिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। बट जनरली केमिस्ट्री के अंदर हमेशा जो वॉल्यूम है जनरली वो मिलीलीटर में स्पेसिफाइड होता है। सो टिपिकली वी यूज दिस वर्जन ऑफ द फॉर्मूला टू
राइट, यहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और लीटर में ले रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट चीज जो नोट कर रहे हैं, जो हमेशा गड़बड़ करते हैं, ये जो एन है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है। ये वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। इसमें कोई भी टर्म नहीं है जो कि सॉल्वेंट से रिलेटेड हो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली रिलेटेड है बट डायरेक्टली कोई भी टर्म सॉल्वेंट से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? अब यूनिट देखो, बहुत इजी है यूनिट निकालना। एन क्या नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये तो यूनिटलेस है, तो बोल सकते हैं मोल्स अकेला, और वॉल्यूम लीटर, तो मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। ओके, क्लियर है? तो ध्यान से सुन लो, कोटा मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें प्रेजेंट, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो हम वॉल्यूम के सॉल्यूशन के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देते हैं, किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। सो मोलारिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी इनटू 1000, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, क्लियर? ओके, अब एक और फॉर्मूला जो हम जब हम मोल्स पढ़ रहे थे तभी हमने स्टडी किया था, और जो कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो उसको फिर से रिवाइज कर लो। और वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास दिया है तो उस मास को अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, राइट? क्योंकि एक मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास, वे डब्ल्यू इज द गिवन मास, ठीक है, और मोलर मास इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। जो चीज बच्चे कंफ्यूज करते हैं या समझने में गड़बड़ कर देते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, कि वो क्वेश्चन में मास भी दिया होगा, मोलर मास भी दिया होगा, उसको उल्टा कर देते हैं, मास की जगह मोलर मास की जगह मास। अगर ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है तो यूनिट याद रखना, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, और मास की यूनिट आप सबको पता है ग्राम, ठीक है। हाँ, आपको लगेगा कि फनी लगेगा कि ऐसी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है, बट बिलीव मी 80% ऑफ द स्टूडेंट्स डू टेंड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन मास एंड मोलर मास, उनको ग्राम ग्राम ही दिखता सब जगह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, W इज द गिवन मास यानी जी ग्राम्स, और मोलर मास इज ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम मोलारिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखेंगे टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच कंटेन्स 2 moles of pure HCl, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 500 milliliter ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl विच कंटेन्स 2
2 मोल्स ऑफ प्योर HCl. तो यहां पर किस चीज की एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है? HCl की. बेसिकली हमारा सॉल्वेंट वाटर है जिसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया है और हमें इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है. ठीक है, तो क्लियर है? हमारा एक्वा सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट हमारा वाटर है और उसमें सॉल्यूट क्या है? HCl. मोलैरिटी निकालना है. सबसे पहले राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू यू. क्या दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम दिया हुआ है V इज इक्वल टू 500 ml और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं सॉल्यूट के 2. मोलैरिटी निकालनी है. फॉर्मूला लगाओ स्ट्रेट फॉरवर्ड. m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर हम वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000. क्लियर? की इन द वैल्यूज 2 अपॉन 500 इंटू 1000. ये 500 से 1000 कटा 2 बचा विच इज इक्वल टू 4 मोल्स पर लीटर. बहुत इजी है, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो? सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बट टिपिकली इतना सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी नहीं आने वाला. तो थोड़ी तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगी. बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि फॉर्मूला में कैसे यूज करना है. अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे थोड़ा ही इन्वॉल्व है, थोड़ा ही मुश्किल है, या स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है. इसको नोट डाउन कर लो एंड लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. तो जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन में मैंने केवल एक चीज चेंज करी है. पिछले क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे HCl के जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे. इस क्वेश्चन में मुझे उसका मास दे रखा है, राइट? और फिर मुझे मोलैरिटी निकालनी है. तो अगेन लेट मी राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू मी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 500 से देखो विच कंटेन 73.5 ग्राम ऑफ HCl. ये गिवन मास है, राइट? मोलर मास नहीं है. और हमें निकालना मोलारिटी. अब मेरे को V दिया हुआ है लेकिन मेरे पास ये नहीं है, तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मेरे को अगर गिवन मास दिया हुआ है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकता हूं. तो आई विल यूज द फॉर्मूला n इज इक्वल टू w अपॉन मोलर मास. किस चीज के मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं? सॉल्यूट के निकाल रहा हूं. तो मोलर मास किसका होना चाहिए? सॉल्यूट का होना चाहिए. ये भी याद रखो, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, गिवन मास यूज कर लेंगे सॉल्यूट का, और मोलर मास की जब बारी आएगी तो डाल देंगे सॉल्वेंट का, यानी वाटर का. इस केस में नहीं, जिस चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें उसी चीज के हमें मास लेना, उसी चीज का हमें मोलर मास यूज करना है. ठीक है, तो मोलर मास HCl का सिंपल है, हाइड्रोजन का वन एटम तो वन एटॉमिक मास इंटू वन, प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू वन क्योंकि एक एटम है. दिस इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल. जनरली मोलर मास नहीं दिया होगा पर आपको जो कंपाउंड दिया होगा उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उससे आप मोलर मास निकाल सकते हो. तो इसके अंदर वैल्यू की इन कर दो, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते, इसको 73 ग्राम्स कर दो. माय मिस्टेक. तो 73 अपॉन 36.5 तो ये आ गया 2 मोल्स. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए, इसको उठाकर यहां पर डाल दो. तो आपकी मोलारिटी आ जाएगी 2, वॉल्यूम है 500 इंटू 1000, अगेन 4 मोल्स पर लीटर. ये आंसर आ गया, सेम आंसर लास्ट टाइम, सेम तो आना ही था.
क्योंकि उसमें 2 मोल्स दिया था, 2 मोल्स का मास होता है 73 ग्राम्स, तो मैं 2 मोल्स बोले या 73 ग्राम्स बोले, दोनों की बात एक ही है, राइट। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि टू स्टेप क्वेश्चन मान लो उसको, कि मास दिया है तो मास को पहले कन्वर्ट करेंगे मोल्स में और फिर हम मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन और मोलारिटी पे देखते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मोलारिटी। तो नोट डाउन करो क्वेश्चन को, फाइंड द मोल्स ऑफ HCl दैट शुड बी डिसॉल्व्ड टू फॉर्म 250 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन, फाइंड द मोल्स ऑफ HCl दैट शुड बी डिसॉल्व्ड टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। इसमें कहीं पर मुझे सॉल्वेंट नहीं दिया, मुझे जरूरत ही नहीं उस चीज की, तो क्या क्या दिया हो मेरे को, 3 ml सॉल्यूशन यानी 3 मोलर सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है, 3 ml यानी 3 मोलर यानी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 3, और ये वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, क्या निकालना है, मोल्स किसके, HCl के यानी सॉल्यूट के। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मोलारिटी इज इक्वल टू 3, वॉल्यूम इज इक्वल टू 250 और निकालना है m। तो अगेन m इज इक्वल टू n अपॉन v, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम मेरा मिलीलीटर में है, तो 3 इज इक्वल टू n अपॉन 250 इनटू 1000, ये गया 4, तो n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0.75 मोल्स। अगेन एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें मोल्स दिए था या मास दिया था, हमें मोलारिटी निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हमें मोलारिटी दी हुई और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मोलारिटी 3, फॉर्मूले में 3 डाल दो, वॉल्यूम 250 वैल्यू पुट कर दी इंटू 1000 क्योंकि मिलीलीटर में है और n की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे मोल्स के साथ साथ मास भी पूछ लेता तो क्या होता, कुछ नहीं, ये सब मोल्स को हमें मास में कन्वर्ट कर देना, ये मोल्स किसके हैं, HCl के, राइट। तो अगेन n इज इक्वल टू w अपॉन मोलर मास, मोलर मास किसका चाहिए, HCl का, अभी निकाला था मैंने 36.5, तो 0.75 इज इक्वल टू w अपॉन 36.5 और w इज इक्वल टू 36.5 इनटू 0.75 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लो, क्लियर। तो ये था टाइप का क्वेश्चन है, तो मोलारिटी पे जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं तीन टाइप्स के होते हैं, तीन वेरिएबल है उसमें से कोई भी दो वेरिएबल की वैल्यू दे देंगे और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत ही सिंपल चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई मुश्किल नहीं आनी है, तो इस चीज को ध्यान से कर लो, बिकॉज ये चीज मोलारिटी निकालना आप 2 साल तक आपका पीछा नहीं छूटना है इस चीज से, ठीक। चलो वेरी गुड, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का सेकंड सब टॉपिक विच इज मोलारिटी। अब डेफिनेशन ध्यान से देखो, जैसे हमने मोलारिटी की देखी थी, अब मोलारिटी की डेफिनेशन पर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in unit mass of solvent।
जल्दी से कंपेयर करो उसको मोलैरिटी की डेफिनेशन से, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि दोनों की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, बट कंपेयर करो जो आपने नोट डाउन कर रखी थी ऑलरेडी और देखो कहां पर डिफरेंस आ रहा है। ये चीज सेम है, मोलैरिटी में भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे थे, बट सिमिलैरिटी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद देखो यूनिट मास, मोलैरिटी में हम बात करते हैं यूनिट वॉल्यूम की। यूनिट मास किसका? सॉल्वेंट का। और मोलैरिटी में किसकी वॉल्यूम की बात कर रहे थे? सॉल्यूशन। आया समझ में डिफरेंस? इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये गलती बहुत 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 कॉमन है कि मोलैरिटी निकालनी होती है तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया जाता है या वॉल्यूम ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। जब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो हम मास की बात कर रहे हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो सॉल्वेंट कहीं पिक्चर में नहीं आता है, हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओके, तो चलो अब इसका फॉर्मूला लिख लें। मोलैरिटी हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैरिटी हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू एन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, जहां पर डब्ल्यू सॉल्वेंट इज इन ग्राम्स, केजी में होगा तो 1000 नहीं आएगा, एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। एन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो न्यूमरेटर है वो सेम है मोलैरिटी, मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और यूनिट मोल्स, मास है तो केजी, मोल्स पर केजी, ये यूनिट हो गई आपकी मोलैरिटी। तो डेफिनेशन एकदम दिमाग में बैठा लो कि मोलैरिटी होता क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मोलैरिटी और मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी में बेटर मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने का तरीका कौन सा ज्यादा बेटर है, मोलैरिटी के टर्म्स में कि मोलैरिटी के टर्म्स में? सोचो, आंसर दो। सोचा आपने? अब मेरा आंसर सुनो, molality is a better measure. Why? Because molarity depends upon volume of solution और temperature change होने पे volume of solution change हो सकता है। मानो कि solvent evaporate हो गया, solution evaporate हो गया, या for whatever reason, the volume of solution can change with temperature. Whereas mass is independent of temperature. तो मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज मोलैरिटी कैन चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, सो देयरफॉर मोलैरिटी इज अ बेटर मेजर, बट ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल आपका सॉल्वेंट है देन इट बिकम्स एन इश्यू, बट अगर क्वेश्चन पूछता है विच इज द बेटर मेजर, मोलैरिटी और मोलैरिटी, आंसर इज मोलैरिटी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि डिपेंड्स ऑन मास विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलो, थ्योरी यहां पर खत्म। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलैरिटी बिफोर वी कंक्लूड दिस लेक्चर। अगेन सिंपल क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विच contains 2 moles of H2SO4 in 500 grams of water. Simple question ekdam. Hame isme kya nikalni hai? Molarity nikalni hai.
सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट क्या है? देखो H2SO4 डिसॉल्व किसमें है? वाटर में, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट क्या है? H2SO4। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख देते गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम्स, मोलालिटी क्वेश्चन मार्क, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखा एन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की ग्राम में, तो उसको कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, ये आ गया 2 अपॉन 500 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 4 मोल्स पर केजी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब इस क्वेश्चन में भी मैं कोई एक चीज चेंज करने वाला हूं। यहां पर मैंने लिख दिया ठीक है, जो क्वेश्चन लास्ट टाइम था सेम क्वेश्चन, उसमें मोल्स दिए थे, इसमें मैंने दे दिया मास ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है? हमारा सॉल्यूट है, राइट। अब देखो यहां पर भी W है, लेकिन यहां पर मैं सॉल्यूट लिख रहा हूं, और हमें निकालना क्या है? मोलैलिटी, अगेन मोलैलिटी इज इक्वल टू एन अपॉन 500। अब हमें क्या नहीं पता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, लेकिन हमें उसका मास पता है और हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो हम मास को मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे मोलैरिटी निकालने में कर रहे थे। तो n इज इक्वल टू w अपॉन मोलर मास, w में पता है, अगेन किसके मोल्स निकाल रहे हैं भाई? सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के नहीं निकाल रहे हैं। मोलैलिटी वाले क्वेश्चन में जरूर गलती करोगे, ये W, ये W, ये 500 इधर, नहीं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट H2SO4 जैसे उसका मोलर मास आपको रटा होना चाहिए, अब रटा नहीं है तो हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो चलो उसका मोलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम तो 1 × 2, सल्फर का 1 एटम 1 × 32, ऑक्सीजन के 4 तो 4 × 16, तो ये 2 + 32 + 64 विच इज इक्वल टू 98 ग्राम्स पर मोल, ये हो गया H2SO4 का मोलर मास। यहां पर वैल्यू डाल दें तो क्या जाएगा? 49 W अपॉन 98 मोलर मास, 1 अपॉन 2, हाफ मोल्स। तो सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं H2SO4 के? हाफ मोल्स। अब मोलैलिटी निकाल लें, अब सिंपल हो गया, m इज इक्वल टू n की जगह हाफ, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 इंटू 1000, ये 2, ये से 2 गया, आगे 1 मोल पर kg, ये आपका आंसर आ गया मोलैलिटी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। एक के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देख रहे हैं इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो दूसरी चीज हम यूज कर रहे हैं वो है मोल्स और मास में रिलेशनशिप, विच इज एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जहां पर हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूज करना है या मास ऑफ सॉल्यूट यूज करना है, वहां पर वो कंफ्यूज होकर सॉल्वेंट का मास वगैरह यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर रखो कि क्या निकाल रहे हो। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो हमें मास भी सॉल्यूट का चाहिए, मोलर मास भी सॉल्यूट का चाहिए। जब हम मोलैलिटी निकालते हैं
तो हमें मास सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्यूशन का नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट चीज देखो, इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया होता है 500 ग्राम ऑफ वाटर की जगह सॉल्यूशन दे दिया होता आपको, तो क्या करते हैं? आपको तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, तो ये तो सॉल्यूशन का मास दिया होगा 500 ग्राम, तो कैसे निकालते हैं? तो उस केस में हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, दो चीज से बना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन का मास हमें 500 ग्राम, सॉल्वेंट का हमें नहीं पता, पर हमें यह तो पता नहीं कि सॉल्यूट कितना मिक्स्ड है, 49 ग्राम, तो हमारा W सॉल्वेंट आ जाता। ठीक, और उस केस में ये टर्म जो हमारा था ये इससे रिप्लेस हो जाता। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके अंदर मिस्टेक्स होती है, तो ये मैं आपको इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये मिस्टेक्स आप ना करो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, और आई होप कि आपको मोलारिटी और मोलालिटी के ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको लग रहा है बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इजी चीज है, हाँ सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट क्वेश्चन इससे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो चिंता मत करो, डोंट वरी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक एट मोर क्वेश्चंस ऑन मोलारिटी, जिसके अंदर हम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, और उसका इंपैक्ट क्या होता है मोलारिटी के ऊपर। एंड आफ्टर दैट आई विल ब्रिंग आउट अनदर वीडियो विच विल टॉक अबाउट सम मोर इंट्रिकेसीज ऑफ मोलारिटी। तो घबराओ मत, डरो मत, इट्स वेरी इजी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। सो गुड बाय फॉर नाउ एंड वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो।